खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए केएनएन मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। बेटी को बेटे के समान मानते हुए गांव सोहना में एक परिवार ने बेटी के जन्म पर कुआ पूजन किया, जहां परिजनों ने सभी कन्याओं को भोजन कराया और खुशियां मनाई और साथ ही समाज को संदेश दिया कि बेटियां भी बेटों के बराबर का हक रखती है, उन्हें भी उतने ही सम्मान और अधिकार से जीने का हक है जितना कि बेटों को। जिसमें बलराम और मोनिका की गृहस्थी में एक बेटे व एक बेटे का प्रवेश हुआ। उन्होंने बताया कि उनकी नज़र में बेटी और बेटे में कोई अंतर नहीं है। कहा कि बेटी घर की लक्ष्मी होती है। गौरतलब है कि हरियाणा अक्सर अपने पिछड़ेपन और लिंग अनुपात की वजह से खबरों में रहा है। बेटियों को हमेशा यहां कमतर ही आंका गया है, लेकिन सोहना की ये खबर हरियाणा के कुख्यात लिंग अनुपात के आंकड़ों के बीच राहत देने वाली है। जिस गाँव के एक परिवार में एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया है, जहां बेटी पैदा होने पर पहली बार इस गांव में कुआ पूजन किया गया। माता पिता ने अपनी बिटिया के कुआ पूजन की सारी तैयारियां की, जिसमें घर पर महिला संगीत का आयोजन करने के साथ साथ लोगों को लड्डू वितरित किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से लोगों की सोच में बदलाव आ रहा है। जहाँ पहले केवल बेटा होने पर ही कुआ पूजन किया जाता था, लेकिन अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से बेटियों के जन्म पर भी खुशियां मनाई जाने लगी है। के नाइन मीडिया के लिए सोहना से सूरज दुहन की रिपोर्ट। क्या नाम आपका? जी बलराम। बलराम जी, आज मतलब आपके जुड़वा बच्चे पैदा हुए हैं, साथ में लड़की हुई है और साथ में लड़की का भी कुआ पूजन करने जा रहे हैं आप, एक समाज से हटकर आप वो कर रहे हैं, तो उसके बारे में क्या ख्याल है? जी आप सभी को पता है कि समाज में काफ़ी जागरूकता पैदा हुई है अभी, और पहले से ज़्यादा जागरूकता इस समय पे है। तो जो हमारा मेन काम है, जो हम इस दुनिया में आए हैं, तो हमें एक दूसरे का सहयोग करना है, ना कि जातिवाद पे या हीन भावना पे या लड़कियों के प्रति भेदभाव करें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। और मैं तो 5th क्लास से ही समाज के साथ जुड़ चुका था और नवजोत इंडिया फाउंडेशन किरण वेदी मैम के साथ जुड़ के पूरे अपने समाज में, पूरे हरियाणा में अब तक काम करता आ रहा हूँ। वो चाहे चाइल्ड एजुकेशन की बात हो या एनवायरमेंट की या फिर हेल्थ की या फिर वुमेन एम्पावरमेंट की। आज के समय में लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? जी बिल्कुल, लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है। जो लड़के भी नहीं कर पा रहे उस मुकाम पर लड़कियाँ आज पहुँच रही है। हम देख रहे हैं कि या एजुकेशन के मामले में हो या आगे बढ़ने के मामले में हो, लड़कियाँ हर चीज़ में आगे बढ़ रही है। तो हमें लड़कियों के ऊपर भी उतना ही फोकस करना चाहिए जितना लड़कियों के ऊपर करते हैं। आज के टाइम में लड़की लड़कों से कम नहीं है, उसके बारे में क्या ख्याल आपका?